देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,603 नए मामले आए सामने, 415 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में चक्रवात जुवात को लेकर अलर्ट, आज बंद रहेंगे 19 जिलों के स्कूल। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनी जेती रोसैया का निधन, 88 वर्ष की उम्र में लिया अंतिम सांस। पीएम मोदी आज देवभूमि से करेंगे चुनावी शंखनाद, दून के परेड मैदान में विजय संकल्प रैली देंगे कई सौगात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 दिसंबर को महिलाओं के लिए करेंगे दो बड़ी घोषणाएं। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज होने वाली जनसभा के लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। आयोजन स्थल में प्रवेश को 9 द्वार द्वारा बनाए गए हैं, हालांकि भीड़ के अनुसार ही इन प्रवेश द्वार को प्रयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा बगैर मास्क के आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और पर्स, मोबाइल फोन के अलावा किसी प्रकार का सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। काले कपड़े धारण करने वालों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री आज दोपहर जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसको देखते हुए सुरक्षा और अन्य इंतजाम कर लिए गए हैं। आयोजन स्थल के चारों ओर सुबह से ही जीरो जोन कर दिया जाएगा और 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा आगे रहे हैं। यही कारण है कि आईएमए से पास आउट होने वाले हर 12वां अधिकारी उत्तराखंड में है। वहीं भारतीय सेना का हर 5वां जवान भी इसी वीर भूमि में जन्मा है। आईएमए में आयोजित एसीसी के दीक्षा समारोह में भी समृद्ध सैन्य विरासत की झलक साफ दिखी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित होने वाले दोनों कैडेट इस बार उत्तराखंड से हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गोल्ड मेडल एवं विज्ञान वर्ग से कमांडेंट सिल्वर मेडल से सम्मानित मनोज ब्रिजवासी गोलापार हल्द्वानी के रहने वाले हैं, जबकि सिल्वर मेडल विजेता नीतीश बिष्ट सैन्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें कि वीरता देवभूमि में देखने को मिलती है, जो वीरता की झलक है वो यहां काफी देखने को मिलती है। ज्यादातर जो बच्चे हैं वो सैनिक बनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, देश में सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा ही आगे दिखाई देते हैं, जिसकी झलक आज भी देखने को मिली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन समूह ने एक ऐसा वातानुकूलित सब्जी विक्रय ठेला डिजाइन किया है, जिससे विक्रेता का आर्थिक लाभ होगा। 40,000 रुपए की लागत से बने इस ठेले में एक समय में 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक सब्जी रखी जा सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के जल एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग ने गुरुवार को कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायती राज मुख्यालय के सचिव सुनील कुमार ऑनलाइन शामिल हुए। देवीधुरा में एक दलित को बारात में बुलाया गया और दलित ने अपने हाथों से खाना लेकर खाने पर कुछ लोगों ने दलित के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया है। वहीं मृतक के बेटे ने बताया कि देर शाम को जब वो घर नहीं पहुंचे तो उन्होंने कॉल किया और उनका फोन किसी अन्य व्यक्ति ने उठाया और जवाब में कहा कि वो सुबह तक आ जाएंगे। तभी दूसरे दिन एक नंबर से कॉल आई और कहा कि मैं 108 एम्बुलेंस से बोल रहा हूँ, आपके पापा लोहाघाट अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद उनको जिला अस्पताल चंपावत रेफर कर दिया गया। फिर चंपावत से हल्द्वानी सुशीला तिवारी रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं भीम आर्मी गोविंद बुद्ध
कुमाऊं अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हाल जाना और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन और साथ दिया, साथ ही शासन प्रशासन से माफी की मांग भी की। रोज की तरह आए नहीं, मैंने कहा शाम को अपने बेटे से तो फोन कर, अपने पापा को पूछ क्यों नहीं आए। फोन किया तो किसी और ने उठाया, उन्होंने कहा तुम्हारे पापा तो अभी नहीं आएंगे, कल को आएंगे। उसके बाद फिर सुबह उनका फोन आया, तुम्हारे पापा भी होश हैं, इनको ले जाओ। मेरे लड़के ने कहा, फिर काट दिया। उसके बाद फोन फिर दोबारा आया, ये तो बेहोश है, लोग हार ले जा रहे हैं, आओ गुलगोश चढ़ाएंगे, ठीक हो जाएंगे, क्या कहते हैं। फिर मैं उसके बाद वहाँ गई, मेरे छोटे बड़े वाले लड़के और हम दोनों माँ बेटी वहाँ पे गए। मेरे पति ऐसे थे, बिल्कुल बुरी हालत में थे, मुझे नंगे देख के, अपने पति को देख के बड़े अफसोस हुए। मेरे लिए फोन आया 108 का, जब मैं अपने ननिहाल से आधे रास्ते में पहुँचा तो मेरे लिए 108 से फोन आया। उनने कहा कि तेरे पापा लोहाघाट हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम आ जाओ। मैंने कहा कि अपनी मम्मी को लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचे तो मेरे पापा के कपड़े वपड़े फटे हुए और नीचे फर्श में बैठे हुए थे। और वहाँ से डॉक्टर ने अगर पापा को चंपावत को रेफर किया तो चंपावत से जब हम हल्द्वानी को रेफर किया तो रास्ते में पापा ने मेरे से कहा कि खाते समय मारा। इतना कि जट्टा डूंगरा में रमेश राम हत्याकांड में जो कृत्य ठाकुर समाज के लोगों ने किया है उसको शासन प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए और आरोपियों को जेल डालने का काम करना चाहिए। एक ऐसा परिवार जो कि आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर, अगर हम किसी को गरीब कह सकते हैं तो वो ये परिवार है, जिसके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, जिसके पास खाना बनाने के लिए अपना गैस तो है लेकिन गैस भरने के लिए पैसा नहीं है और लकड़ियां तक नहीं है इनके पास, खाना भी ये काई में बनाएंगे। और यहाँ बैठने की जगह नहीं है, यहाँ लोग आ रहे हैं लेकिन बैठने तक के लिए जगह नहीं है। और साथियों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में पुलिस प्रशासन और ये अभी कॉपरेट कर रहे हैं, इसको अनुसूचित जाति आयोग में डाल दिया गया है और DIG सर को भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और कार्रवाई काफ़ी तेज़ी से हो रही है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इनको पकड़े और जो आरोपी हैं उनको। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं विधानसभा पिरान कलियन से आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उसी को लेकर आज पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी के जीने शादाब आलम ने प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य अतिथि दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का कहना है कि हम हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं लेकिन उत्तराखंड में विकास की कमी है और बेरोजगारी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं पढ़ा मिला है और इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का कहना है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे सभी पूरे किए हैं। पिछले 21 साल से यहाँ दो ही पार्टियां, आप सब लोग जानते हैं, कांग्रेस एक बार, दोनों भाई बहन पार्टियां हैं। जो नेता कांग्रेस में होते हैं अगर उनकी एंटी इनकम्पेंसी होती है वो भाजपा में चले जाते हैं, जो भाजपा में होते हैं उनकी एंटी इनकम्पेंसी होती है वो कांग्रेस में आते हैं, घूम फिर के वही हैं। मुझे लगता है और आपको भी लगता होगा कहीं ना कहीं पिछले 21 साल में उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला या नहीं मिला, लेकिन पार्टियों का और नेताओं का विकास खूब हुआ है। अब उसी के मद्देनज़र माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री हरदिल अजीज नेता जो दिल्ली और क्या हिंदुस्तान में लोगों के दिलों पर राज करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिल्ली में जो जो वादे करे उसको पूरा करा, ऐसा वादा। नवनियुक्त आयुक्त गढ़वाल के रूप में सुशील कुमार ने मंडला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। सुशील कुमार पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नवनियुक्त आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छे से रूबरू हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वाल मंडल में हो रहे विकास कार्यों में भी तेजी लाने का काम किया जाएगा, साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाया जाएगा। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो
सर्व ऋतु चार धाम सड़क योजना हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो या केदारनाथ जी के पुनर्निर्माण की योजना हो या बद्रीनाथ जी के महायोजना बनाकर उसको लागू करने की आवश्यकता हो, और इसके अलावा जनपदों में जो विकास कार्य चल रहे हैं विभिन्न योजनाओं में, जैसे जिला सेक्टर है, राज्य सेक्टर है, केंद्र सेक्टर है, तो उसमें जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका हम लोग निरंतर परिशीलन और अनुश्रवण करेंगे और उसको गति प्रदान करने की। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।